अभी आज विदाई समारोह है आप लोगों का, तो ये विदाई समारोह में कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। सब ये आना जाना चला रहता है, सब व्यवहारिक बात है ना। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, जहाँ भी जाएं, जिस जगह भी जाएं, और जो भी आप भविष्य में कोर्स वगैरह करें तो इस प्रकार से करें जिसमें कि रोजगार के अवसर हो। पढ़ाई करने के बाद रोजगार की सबसे बड़ी और दिक्कत रहती है। और दूसरी चीज, ऐसा कोर्स या ऐसी चीज करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, है ना। जबरदस्ती के कोर्स या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी चीज करें आप लोग। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ऐसे हमेशा मुस्कुराते हंसते रहे रात को। और आप लोगों ने मुझको बुलाया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे को डायरेक्टर सर का फोन आया रात को 8 बजे, तो मेरे को लगा कि अपने में भी कोई दम तो है, क्वालिटी तो है, महानता तो है। और सर कारण यही नहीं है कि आपने फोन लगाया और मैं आया, और भी कुछ एक दो और कारण है सर। क्योंकि मेरे को एक दो बार सपने में भगवान सर और ये अपने असद सर ने ये भी आए थे, पूजा मैम भी आए थे अपने चुरलाए वाले, तो मैं वो सपने में जो मैंने देखा वो मैं हकीकत में देखना चाहता था कि वो सच है कि नहीं, इसलिए भी मैं आया यहाँ पे। तो भगवान सर आए तो बहुत स्मार्ट लग रहे थे और बहुत गोरे लग रहे थे मेरे को, तो और असद सर बहुत मोटे ताजे लग रहे थे, और पूजा मैम की हाइट बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी, तो मैंने कि चलो चल के देखते हैं। और एक और कारण था कि चलो बुलाया स्कूल में, उधर से पेट्रोल भी डला लाएंगे। तो आप शायद मैं 8 साल पहले से पढ़ाता था और 2 साल की गैप हो गई, पर अपनी ये माइप वाली समस्या अभी तक नहीं गई है। सर इसकी यात्रा करानी पड़ेगी। तो आप, मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।